तो हम लोग या हुसैन कहते हैं, वो लोग भी या हुसैन कहते हैं, लेकिन फर्क ये है कि जंजीर होता है, जंजीरों से लोग चारों तरफ पीते हैं, पूरा उनका जिस्म लुहान होता है, ये होता है शिया लोगों का। इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत की हम लोग ताजियत करते हैं। और गैरू का जो मजहब है जैसे कि है आप मान लीजिए इसमें शिया सुनी आते हैं, शिया भी किस तरीके से मनाते हैं, सुनी सुनी जो होते हैं वो जी जी ये हम सुनियों का जो सुन तो हम लोग एक नक्शा बनाएंगे, ताजिया को बनाएंगे सामने हम लोग। अच्छा ये ऐसे ही क्यों मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है जो इमाम हुसैन थे उनके शहादत पर मुहर्रम मनाया जाता है उनके मजार के जैसे ढांचा बनाया। ये करबला का नक्शा जैसा उनका मजार है ये उसका ढांचा है, न कि इमाम हुसैन इस्लाम का नक्शा नहीं है, ये करबला का नक्शा है, वही करबला का नक्शा हम लोग बना के इसको फातिहा करते हैं। करबला क्या होता है? करबला होता है कि यहाँ मैदान का जो जंग है जिसमें कूफा में जो जंग हुआ था, लड़ाई हुई थी और इमाम हुसैन इस्लाम को जहाँ दफनाया गया था वो एक करबला है और उसी में उनको दफन किया था। तो आज भी यहाँ से मट्टी जब ले जाकर हम लोग रामपुर बुजुर्ग में वहाँ करबला मट्टी को दफन कर देते हैं। जो सिया होते हैं उसी तरीके से मनाते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है कि सिया जो मनाते हैं अपने लहू लुहान कर लेते हैं, सिया भी नक्शा मनाते हैं, यही नक्शा सिया का लोगों का भी होता है, लेकिन उनके मनाने का कुछ तरीका अलग होता है, उनके तरीका अलग होता है, कोई जंजीर होता है छोटा छोटा, वो लोग मातम करते हैं, पीते हैं, उनके बड़ों से खून निकलता है। और उन लोगों का कहना है कि मैंने हम लोग ज्यादा इमाम हुसैन को मानते हैं, पीटने से इमाम हुसैन को ज्यादा कोई नहीं मानता है, जो उसका तरीका है, जो उसका वसूल है, जो मजहब के हिसाब से जो होता है उस तरीके से मैंने मनाया। ऐसे ऐसे भी लोग बोलते हैं कि जो इमाम हुसैन थे उस समय सिया लोग थे जो इनका विरोध कर रहे थे, तो उस तरीके से विरोध उनका है, उस वक्त उनका विरोध था, लेकिन आज जो उनके शहीद होने के बाद अब उनका विरोध नहीं लोग करते हैं, वो लोग बम करते हैं, बम उसका मातम करते हैं, जंजीरों से मातम करते हैं। हम लोग इमाम हुसैन का जो मातम मनाते हैं तो हम लोग या हुसैन कहते हैं, वो लोग भी या हुसैन कहते हैं, लेकिन फर्क ये है कि जंजीर होता है, जंजीरों से लोग चारों तरफ पीते हैं, पूरा उनका जिस्म लुहान होता है, यही होता है शिया लोगों का। इतना लंबा इसमें क्या मिला था, लकड़ी का ताजिया है, बांस है, बांस है, सिर्फ बांसें लगाई थी, लोहा वो नहीं, बांस लगाया था, फिर उसको बांधा गया है, अलग अलग उसको खन्ना खन्ना है और उसके बाद अलग अलग गोल के उसके बाद इसे सजाया गया। अच्छा अभी मैं देखा तो यहाँ पर एक छोटा था, ये उंगली हमारी पांच बराबर की है, कहने का मतलब है कि यहाँ मतलब नेताजी उंगली के साथ अरे वाला जो छोटा वाला नहीं रखा गया कुछ ऐसा भी होता है कि गांव में देखे छोटा छोटा बना कि हमारा कुछ हो जाए हम बनाए बनाए। अच्छा ये लोग क्या करते हैं, ये क्या मानता है, ये लोग मानते हैं कि इमाम हुसैन इस्लाम के जंग में ये लोग शरीक और उनके गांव में मारने वाले बहुत बढ़िया मारने वाले सुनते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उन लोग का माँ बाप जो होगा उसको मन माना होगा तो हम उसका हजरा हुजूर बनाएंगे और उस तरीके से इसको हजरा हुजूर बोला जाता है। कब दौड़ते हैं हमें तो आप दिन भर लोग शाम तक सूरज डूबने तक ये लोग हर ताजिया के पास जाएंगे घूमेंगे अपना जो भी पाना होगा सुबह से निकलते हैं, ये लोग भोर में से ही निकले और दिन भर घूमते रहेंगे और बैठना भी होगा, तेरह लकड़ी पर बैठेंगे, चारपाई पर नहीं बैठेंगे, चौकी पर बैठे हैं लकड़ी का जो भी चीज़ है वहाँ पर उतर है जमीन पर भी जमीन पर भी लकड़ी पर ही लोग इससे कि फसल में गम वही लोग चलिए अब यहाँ मुहर्रम के समय में आप उठनी वासी के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो जिला परिषद प्रत्याशी भी हैं उठनी वासी को कहाँ क्या जाते हैं, हम उठनी वासी के लिए हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं, हम जिला परिषद का निर्वाचित होने जिला प्रत्याशी हम भी अपने क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से हम भी आशीर्वाद देते हैं, भाई हमें वोट दीजिए बताइए जिता हमको पार्षद बनाइए, बहुत सारे बात पूछते हैं कि जितने के बाद क्या करेंगे, हमने वोट बताएगा। अच्छा जो आपका मुहर्रम होता है इसे हिंदू भी समझते हैं, हिंदू अभी थोड़ा देर पहले वही एक हमारे यहाँ नेता जी हम उनके रखना होते हैं, उनका फातिहा पे हुआ है वही कर के वही हम लोग हैं वो बजा रहे हैं, सबके घर से फोन गया हमने सबके धन्यवाद उनका कि हमें तलाश किए हैं क्योंकि आपसे कभी सबका हुआ नहीं है, लेकिन नेट पर देखो तो वहाँ ऐसी वाला है स्कूल वाला झंडा में अगर आपको झंडा उतारा गया था। अब चलिए इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं गुटनी प्रखंड के परड़ी पंचायत के धनौती गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर यहाँ पर सजिया को खुशी से मना रहे हैं, ये हमारे भाई साहब जो हैं बड़ी सी प्रत्याशी है जीते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ।
और साथ ही मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरा नाम मुन्ना अंसारी। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर ताजिए को मना रहे हैं, मुहर्रम को हंसी खुशी से मना रहे हैं। इसी के साथ मैं मनिंदर कुमार सिंह, कैमरा में दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।